अच्छा रिस्पांस है, पिछली बार भी अच्छा रिस्पांस था, लेकिन बीच में हमारे को छोड़ना पड़ा किसी वजह से। अब फिर शुरू किया है, दो दिन आ जाए और पाँच दिन फिर बाद में सारे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सारे गांव में होके जाऊंगा और लोगों का आशीर्वाद ले जाऊँगा। सर, जैसे विपक्षी पार्टियां कुछ अलग से मुद्दे लेके चल रही हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम या इस तरह के, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में क्या मुद्दे लेकर आ रही है? कांग्रेस पार्टी सबकी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सेकुलर पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जो ये जो सरकार है, जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ लड़ाई है हमारी, महंगाई के खिलाफ लड़ाई है और कानून व्यवस्था कायम हो, ये काम है, क्योंकि ये प्रथम चीज़ है। अच्छी शिक्षा हो, अच्छा प्रगति। कर्नाटक में भी यही मुद्दे चले? कर्नाटक में था बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दे थे। अच्छा, और भ्रष्टाचार, जो आज हरियाणा में भ्रष्टाचार है, कर्नाटक में भी इस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ था। एक सर, हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हमने 10,000 करोड़ रुपया शराब बेच करके रेवेन्यू कमाया है, इसको कैसा मानते हैं? इतना बड़ा घोटाला है आपके, उसमें इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कितनी शराब बनती है, कितनी बिकती है, कितने बाहर से ट्रक आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CAG का है, अपने CAG की रिपोर्ट पढ़ लें फिर कोई जवाब दें। तो इसने कहा कि सरकार के ऊपर, हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। हाँ। लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती, वो कहती ऐसा नहीं। व्हाइट पेपर इशू करो, मैं कह चुका हूँ भाई, इंटरनल डेप्ट, कॉन्टिजेंट डेप्ट और भाई आपका जो देनदारी और ऑफ बजट लाइबिलिटी और ऑफ बजट, ये सारे करो, क्यों नहीं व्हाइट पेपर इशू करते हैं? सर, डबवाली से व्हाइट पेपर किसने रोका है? व्हाइट पेपर इशू करो और फिर बात करो। सर, एक नशा खत्म करने की बात तो की जा रही है, लेकिन अब नई आबकारी नीति में कॉरपोरेट कंपनियों में शराब के बार खोलने का फैसला हरियाणा सरकार ने। भाई ये मौजूदा सरकार आने के बाद तो नशा बढ़ा है, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप देखें वहाँ सिरसा में क्या हुआ। तो युवा जिस तरह से नशे की तरफ जा रहा है सर, और ये 10,000 करोड़ रुपए उसी से रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ऐसा है? युवा को आगे रहे, इसी वास्ते हमने हर गांव में स्टेडियम बनाए थे ताकि युवाओं की सेहत अच्छी रहे, आगे जाएं, खेल नीति बनाई थी ताकि उनका इधर उधर ना वो हो और युवा स्ट्रीम लाइन में रहे और कंस्ट्रक्टिव उसमें लगे। लेकिन ये इनके ना तो स्टेडियम की मरम्मत है, ना खेल नीति है, कोई दूसरी बात ही नहीं है, तो इस वास्ते बेरोजगारी फैल गई, तो इसी वास्ते नशा बढ़ रहा है। खिलाड़ियों के पास आप गए थे, वहाँ पे कई दिन हो गए उनको बैठे, लेकिन कोई समाधान सही तरीके से निकल नहीं पा रहा है। खिलाड़ियों के पास आप गए थे जंतर मंतर? हमारा समर्थन है, ये देखो ये अन्याय है, उनको मिलना चाहिए, कानून है, कानून की लड़ाई अलग है, लेकिन जो इतने दिन हो गए और इसी वास्ते कल विधायक दल भी गया था हमारा, हम उनके साथ हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, कर्नाटक चुनाव के बाद जो जिस तरह से जीत हुई है कर्नाटक में, क्या दूसरे दलों के नेता भी आप लोगों से अब संपर्क करने लग रहे हैं? कहाँ आप लोगों से कांग्रेस में आने के लिए? कर्नाटक हरियाणा में तो पहले ही आ रहे हैं, सारे दलों से आ ही रहे हैं, कौन से दल से नहीं आ रहे? BJP, अपना JJP, आप पार्टी, INLO, सारे तो आ रहे हैं। फिलहाल भी कुछ लोग संपर्क में सर, संपर्क में है कुछ नेता आपके? कौन से नेता? लोग मेरे संपर्क में हैं।